हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। मैं हूं नंदिनी किंद्रा आपके साथ और आज बात करेंगे सरकार के यूटर्न की। जी हां, एसडीओ के पद को लेकर सरकार ने यूटर्न लिया है। पहले तो कुछ युवाओं का चयन किया गया और उसके बाद अचानक से उन सभी का चयन रद्द कर दिया गया है। तो सरकार ने यूटर्न लिया क्यों है? एसडीओ की भर्ती हुई, 80 युवाओं को सिलेक्ट किया गया, लेकिन क्या कारण रहा कि चुनाव से बिल्कुल एन वक्त पहले सरकार को ये जो चयन प्रक्रिया के तहत 80 लोगों का चयन हुआ उसे रद्द करना पड़ा? क्या सरकार किसी सियासी कारण की वजह से इस चयन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रही है? दरअसल हरियाणा सरकार ने आज एसडीओ की भर्ती रद्द कर दी है और इस भर्ती की शॉर्टलिस्ट में 80 में से सिर्फ दो ही युवा ऐसे थे, दो ही लोग थे जो हरियाणवी थे। विपक्ष ने इस पर लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए और आखिरकार बिजली निगम ने भर्ती रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि ऐसा 2017 में चयन प्रक्रिया बदलने से हुआ था। आपको बता दें कि जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने दूसरे राज्यों से भर्ती का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। दुष्यंत चौटाला लगातार यही कह रहे थे कि हरियाणा के युवाओं को मौका ना देते हुए मनोहर सरकार हरियाणा के बाहर के युवाओं को ज्यादा तवज्जो दे रही है और कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे पर घिरी। उन्होंने ये भी कहा था कि हरियाणा की नौकरियों में 75% नौकरियां यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए। और वहीं एसडीओ की भर्ती में जो 80 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए उनमें सिर्फ दो ही हरियाणवी बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने चुनाव से एन वक्त पहले इस भर्ती की सभी जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स थे उनकी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को, चयन को सरकार ने रद्द कर दिया है। विपक्ष के लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद सरकार ने ये जो है कदम उठाया है, लेकिन सरकार क्या अब सियासी फायदा लेने के लिए इन 80 युवाओं के भविष्य के साथ भी खेल रही है और क्या हरियाणा के युवाओं को चुनाव में सरकार उनका फायदा लेने के लिए अब किसी तरह का कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है? क्या सरकार सियासी कारणों की वजह से ऐसा कर रही है? ये कई सवाल है हरियाणा की आवाज में, आप जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ गुरुग्राम से राम जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। जी मैं बताना चाहूंगा, कहा गया न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से शुरू से बताता आया हूँ कि अपने चहेतों को अगर आप कमाई करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या नौकरी लगाते हैं, वो भी खाना क्या, वो तो बहुत ही ज्यादा ही भ्रष्टाचार है। अब यहाँ पे आपने बता रहे हो कि बाहर के लोगों को भर्ती किया गया, अब ये आम जनता को सोचना होगा, बाहर के लोगों को भर्ती गया। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आज तक इस मामले में चौटाला जेल के अंदर बंद है, जो अब इसका मतलब अत्याचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ तो ये कैंसिल की गई, और गलत हुआ तो इस अब जेल कौन जाएगा, इसके बारे में जनता से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ईवीएम के बारे में बताता हूँ, आप चंद्रयान में जा रहे हो, रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो, तो ईवीएम 10 किलोमीटर में आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते का? ये जनता को सोचना होगा। बहुत बड़ा हालात मैं पहले से कह पा रहा हूँ, बहुत बड़ा वो देश के साथ हत्या हो रहा है, एक किस्म का मतलब है कि अत्याचार, भारत माँ के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, जनता को समझना होगा, आने वाला समय बहुत घातक होगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गुरुग्राम से कॉलर राम। हरियाणा की आवाज में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज सरकार ने एसडीओ की भर्ती रद्द कर दी है। इस भर्ती की शॉर्टलिस्ट में 80 युवा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे उन सभी की इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 80 में से सिर्फ दो ही लोग हरियाणवी थे और कहीं ना कहीं कोई सियासी कारण इसके पीछे है कि सरकार ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है। तो सरकार ने चुनावी फायदा लेने के लिए क्या ऐसा किया है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हरियाणा की आवाज में हम ढूंढ रहे हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। सरकार की क्या नीति इसके पीछे रही होगी? क्यों एसडीओ भर्ती में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनकी इस भर्ती को रद्द किया गया है?
80 लोग जो शॉर्टलिस्ट हुए, अब उनके भविष्य का क्या? हालांकि 80 में से दो ही लोग हरियाणा के थे, बाकी सब हरियाणा के बाहर के बताए जा रहे हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं सुभाष जी फरीदाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो सरकार ईमानदारी के गीत गाती रहती है, लेकिन ये देखो 80 में से सिर्फ दो हरियाणा के कैंडिडेट लगाए हैं, और जबकि ग्रुप डी में सारे लगाए हैं, वो बीए एमए पीएचडी सारे वो ग्रुप डी में लगा दिए। ऑफिसर हरियाणा का कोई भी नहीं है इनके पास, वो गुजरात से और यूपी के लगाते हैं सारे ये। जी जी बिल्कुल, तो ये जो सरकार ने किया है, अब जितने लोगों को सिलेक्ट किया था अब इनकी भर्ती सरकार ने रद्द कर दी है, तो ऐसे में आम लोगों के बीच क्या संदेश गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये थे फरीदाबाद से कॉलर सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हरियाणा की आवाज में आप भी जुड़ सकते हैं और इस पर अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर सरकार का क्या एजेंडा, क्या स्ट्रैटेजी रही होगी कि एसडीओ की भर्ती को सरकार ने रद्द कर दिया है। क्या अब इसका सरकार सियासी फायदा उठाना चाहती है, फिर विपक्ष के जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने बाहरी युवाओं को ज्यादा तवज्जो दी है, हरियाणा के युवाओं को तवज्जो नहीं दी गई है, और कहीं ना कहीं इन्हीं आरोपों से बचने के लिए सरकार ने एसडीओ की जो भर्ती हुई उनको रद्द किया है। ऐसे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है और एन वक्त पहले आप एसडीओ में जो 80 युवा सिलेक्ट हुए उन सभी की भर्ती को आप रद्द कर रहे हैं। हमारे साथ जीन से कॉलर जुड़े हैं संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये, एक आम जनमानस में क्या संदेश गया है, सरकार के इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैडम आप चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने ये जो मुद्दा उठाया है जी, और ये ओनली इलेक्शन के चलते हुए इन्होंने ये ड्रामा रचाया, बाकी और कुछ नहीं है जी। और इनकी ओनली चार सीट आएंगे हरियाणा में जी। तो आम लोग सरकार की मंशा को समझ पा रहे हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या सोचते हैं? तो अभी अभी ये इलेक्शन है ना 21 तारीख को, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है जी। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थे संजय जी जींद से, और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इलेक्शंस के मद्देनजर सियासी फायदा उठाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, और एसडीओ की भर्ती में जो 80 लोग सिलेक्ट हुए थे उन सभी की भर्ती को रद्द कर दिया गया है, और कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है, इसके पीछे कारण क्या होगा यही तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सियासी फायदा लेने के लिए, हरियाणा के युवाओं को लालच देने के लिए सरकार ऐसा करे? कैथल से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। एसएस डुल जी बहुत बहुत स्वागत आपका, आपकी क्या राय है, सरकार के इस कदम के पीछे क्या मंशा रही होगी? सरकार की इस कदम से मंशा है कि सरकार बुखलाई हुई है, उसे ये नहीं पता मुझे करना क्या है। अब ये जो मुद्दा उन्होंने दबा रखा था, अब ये मुद्दा हाईलाइट हो गया, सभी पब्लिक को ये पता चल गया, वास्तव में से 80 में से 78 बार के लगे रिश्वत ले गए जैसे भी है। तो दूसरा वो ये करना चाहती है अब कि इन जवानों को हम अभी टिका देंगे, हरियाणा वालों को मूर्ख बना देंगे कि भाई दोबारा 80 में आपका नाम आ सकता है, लेकिन वो आएगा नहीं, लगने फिर वही 78 है। ये है, ये तो आप दूसरी बात है। इसके अलावा कितना क्या बताएं, जात कार्ड, फलाना कार्ड, धर्म कार्ड, गाय भैंस पाकिस्तान, ये आप जैसे दो चार चैनल हैं जो सादर पाक 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 नहीं रखते, हरियाणा वाला है, एनडीटीवी है, एक दो चैनल और हैं, वायर है, बाकी दो तो टेंडर है सारा, पाक पाक में कौन सोया, किस टाइम खाना खाया, अरे इतना छोटा सा देश है वो टेरर फैलाती है हमारी जनता के अंदर, भाई पाकिस्तान से डरेंगे हम, क्या तरक्की करेंगे? और दूसरी ये तो बुखार साफ दिख रही है मैडम, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है कुछ, ये स्पष्ट दिख रहा है। इससे इनका ये भी पर्दा उठ गया इनके ऊपर से कि बड़े ईमानदार हरियाणा के अंदर, नौजवानों अगर नौजवानों के मुंह पे सबसे बड़ा थप्पड़ आ गए, अगर ये समझे इनके अंदर जरा सा भी जमीर है, जरा सा भी आत्मसम्मान है इन नौजवानों के अंदर, हरियाणा के अंदर, उनको समझ लेना चाहिए आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्या इनको भूत बिलार क्या है, हिटलर वाली बात है, हिटलर ने राष्ट्र के नाम पर जैसे इसका नाश किया था तब पता चला था, वो सेम थ्योरी है, जवानों को हिटलर की हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए और इसे कंपैरिजन कर लो, इससे ऊपर और क्या कहें मैडम, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थे एसएस ढुल कैथल से, और जैसा कि इन्होंने कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चुनाव में
युवाओं को जरूर लालच देने की कोशिश शायद सरकार की मंशा रही होगी। इस तरह की राय सरकार के इस फैसले के बाद लोगों की आ रही है, हरियाणा की आवाज में लगातार आप सुन रहे हैं, लेकिन कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए, सरकार की ओर से कारण स्पष्ट होना चाहिए कि एसडीओ की भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें 80 लोग सिलेक्ट होते हैं, उसके पीछे कारण क्या रहा कि आप इस सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरी तरीके से रद्द कर देते हैं, और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? बिना कोई कारण स्पष्ट किए आप ऐसा करते हैं तो सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि चुनाव सर पर है। क्या सरकार मात्र सियासी फायदा लेने के लिए ऐसा कर रही है? और अगर ऐसा है तो सरकार ने पहले क्यों हरियाणा के युवाओं को छोड़कर बाहरी युवाओं को सिलेक्ट किया? और जब इस मसले पर आप फंसे, जब विपक्ष ने आपको चारों तरफ से घेरा, तो आपने जिन लोगों को सिलेक्ट किया था उनके भविष्य के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और हरियाणा के युवाओं को क्या आप चुनाव का फायदा लेने के लिए भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी नीति वाकई यहाँ के युवाओं को तवज्जो देने की थी तो फिर यहाँ के युवाओं का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों 80 लोग जो सिलेक्ट होते हैं उनमें सिर्फ दो ही हरियाणवी बताए जा रहे हैं? ये कई ऐसे गंभीर सवाल हैं जो सरकार को लेकर खड़े होते हैं इस कदम के बाद। एसडीओ भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है और ये फैसला ऑल ऑफ अ सडन आज लिया गया। हरियाणा की आवाज में आज बात इसी पर हो रही है और आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि क्या मंशा सरकार की इसके पीछे रही होगी, आखिर क्या कारण रहा होगा कि इस पूरी प्रक्रिया को सरकार ने रद्द किया है। आपको बता दें, इस मसले पर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर थी। दुष्यंत चौटाला से लेकर तमाम अन्य पार्टियों ने सरकार पर बाहरी, हरियाणा के बाहर के युवाओं को नौकरियों में तवज्जो देने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर क्या अब सरकार अलर्ट हो गई और इसी वजह से एसडीओ की इस भर्ती को रद्द किया गया है? क्योंकि जो 80 लोग सिलेक्ट हुए उनमें काफी सारी संख्या में लोग बाहर के बताए जा रहे हैं, तो क्या सरकार चुनाव की वजह से डर गई और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को रद्द किया गया? हरियाणा की आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा की आवाज में बात हो रही है सरकार के यूटर्न की। जी हां, एसडीओ भर्ती में सरकार ने यूटर्न लिया है। पहले भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें 80 युवाओं का सिलेक्शन होता है और उसके बाद सरकार अचानक से उस भर्ती को रद्द कर देती है, और वो भी बिना कारण स्पष्ट किए। आखिर क्या इसके पीछे कारण रहा होगा? एक जो कारण समझा जा रहा है वो यही कि जो 80 युवा सिलेक्ट किए गए उनमें से सिर्फ दो ही हरियाणवी बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लगातार निशाना साधने के बाद क्या सियासी फायदा लेने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है? हमारे साथ हिसार से कॉलर जुड़े हैं परमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा कि सरकार ने यह कदम उठाया? सबसे पहले तो जी आपको बताई और नमस्कार, आपने ये ऐसा मुद्दा आपकी टीवी में उठाया जी, और ये सरकार की साफ साफ एक मंशा है जो बेरोजगार युवाओं को जो गुमराह कर रहे थे उसके लिए ये सोच रहे थे कि भाई ऐसा कुछ कर दें तो युवा हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये युवाओं के साथ साफ धोखा कर रहे हैं हर भर्ती के अंदर। ये नहीं, अभी जो हाल ही में कलर की भर्ती हुई थी उसमें भी हमने देखा 400-400 किलोमीटर दूर सेंटर, ऐसी खराब माटी हुई थी युवाओं की। बीजेपी सरकार बिल्कुल तंग परेशान है इस काम से हर युवा, और ये बेरोजगारी की नहीं, ये सिर्फ अलग मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में, हर पूरे देश में इनकी ऐसी बात है कि ये राजनीति से भटका देते हैं। कभी पाकिस्तान का मुद्दा उठा देंगे, अब जम्मू कश्मीर का ताकि हर नेता की जुबान पर उठा रखा है। बताओ जम्मू कश्मीर से और हरियाणा के बेरोजगार का क्या मतलब वहाँ पे? बिल्कुल, यानी आपका कहना है कि जो वाकई मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं। हर नेता प्रचार के अंदर बीजेपी का 370 उठाए खड़ा है जी, हरियाणा के अंदर आप रिपोर्ट कर रहे हो, आपके सामने सभी प्रचार। बताओ हरियाणा के अंदर उसका क्या महत्व? देश ही तो अपना ठीक है जी, हम भी देश को मानते हैं, लेकिन प्रदेश का चुनाव जी, प्रदेश के मुद्दे होने चाहिए। युवाओं के साथ क्यों इतना बड़ा धोखा है जी? शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने कॉलर्स को सुना कि चुनाव की वजह से ही सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, और इसके अलावा हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं
लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस कदम को लेकर। हेलो मैम, कहना चाह रहा हूँ कि जी सब से बोलते हैं कि यदि कोई कंपनी के अंदर यदि बच्चा अगर जनरल का कोई बच्चा है यदि वो अगर कोई कंपटीशन क्वालिफाई करता है, अब जैसे नॉर्मली जो गेट के एग्जाम में तो क्वालिफाई किया है और मेरी रैंक 189 है जी, तो मैम अगर इंडिया के जिसमें 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देते उसमें यदि 200 रैंक वाले बच्चे को भी सिलेक्शन, वहां यदि कैटेगरी वाले बच्चों को 2000 रैंक पे भी अगर सिलेक्शन मिल रहा है तो फिर मैम ये धरती कैसे होगी। जहां तक बात है हरियाणा की डिसीजन को लेके, तो मैम इसमें ये नोटिफिकेशन रिलीज था, इसके रिलीज होने से पहले ये कोई बात नहीं की गई थी कि केवल स्टेट वालों को इतना रिजर्वेशन मिलेगा, जनरल वालों को, इस जनरल वालों के लिए सारे सेम थे। लेकिन अब ये सुनो कोई मतलब बताए इलेक्शन के चक्कर से या इलेक्शन मतलब खुद के वोट बैंक बढ़ाने, यानी जो जिन 80 युवाओं का सिलेक्शन हुआ उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ ये उनके बहुत एक्चुअली सबके परिवार ने होप लगा रखी कि उसके बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, और है ना यदि उस बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता तो एक बताइए किसके जिम्मेदार कौन है। क्या तो आपको बात पहले बतानी चाहिए थी कि कोई बच्चा फॉर्म ही नहीं भरता इस चक्कर में, क्योंकि हरियाणा जैसे इस समय रिसेंट पंजाब की एक वैकेंसी निकली है PSCHL में, तो उससे पहले से बताया गया था ये चीज को लेके कि है ना उसमें सीधा पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी कर दी उन्होंने सीधा अपनी लैंग्वेज, तो मैंने वो फॉर्म भरा ही नहीं। लेकिन इधर आके कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की गई और अब एकदम से इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही मसला आपने उठाया कि अगर इस तरह की कोई बात थी तो पहले से ही प्री प्लानिंग होनी चाहिए, और युवाओं का सिलेक्शन अगर करने की प्रक्रिया आपकी कोई स्पष्ट है तो आप उसी प्रक्रिया के तहत करें। अचानक से ये फैसला सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए, इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि चुनाव के सियासी फायदे के लिए युवाओं को भटकाने का काम नहीं होना चाहिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। राकेश जी जुड़े हैं कैथल से, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपकी क्या राय राकेश जी, क्या लगता है आपको सियासी कारण ही रहे होंगे कि सरकार ने कदम उठाया? नमस्कार जी मैडम जी। जी ये बहुत बड़ा घोटाला किया था सरकार ने और हरियाणा की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, ये निर्णय वापस लेना पड़ा। मैडम जी जो क्लास डी के पेपर हुए थे उनमें भी खाली पेपर रखवा कर और 8-8 लाख रुपए लेकर ये बच्चों ने स्वीकारा, वहां टीचरों के सामने पैसे लिए गए थे। और हेलो जी जी, और जब टीचरों ने मिलान किया सिलेक्शन हुई तो 18 में से एक कमरे में 18 में से 15 सिलेक्ट हुए मिले जी। ये सभी सरकारें करती हैं, कोई भी सरकार होते है जी। चलिए अव्वल दर्जे के बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं और सिफारशी भर्ती हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अपनी राय रखने के लिए। और वक्त की थोड़ी कमी है लेकिन कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज रखना चाहते हैं क्योंकि ये मसला युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इस पर सियासत करना जाहिर तौर पर आम जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही।